हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 10.3। सो 10.3 एक्सरसाइज में हम क्या कर रहे हैं, इसमें आपके पास जो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो गिवन है उसमें हमें टू साइड्स गिवन हैं एंड वन एंगल गिवन है, तो उनके बेस्ड हम क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल बनाना सीख रहे हैं। सो देखिए, कंस्ट्रक्ट एंड आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब बात आ रही है किसकी, आइसोसेल्स ट्रायंगल की। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल कौन सी होती है जिसकी टू साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। टू साइड्स आर इक्वल, इसकी टू साइड्स क्या सी होती हैं, इक्वल होती हैं। इन विच द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 6.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो दोनों साइड्स हैं उसकी लेंथ कितनी है, 6.5 सेंटीमीटर। एंड द एंगल बिटवीन दैम इज 110, और दोनों जो साइड्स हैं उनके बीच का एंगल कितना है, 110 आपको गिवन है। क्लियर। अब देखिए, जैसे जैसे बोला गया है हम वैसे वैसे कंस्ट्रक्ट करते हुए चलेंगे। यहाँ पे नेमिंग नहीं दी गई है ट्रायंगल की, तो हम अपनी मर्जी से उसको नेमिंग दे सकते हैं। अब देखिए, हम बेस ले लेते हैं यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब ये देखिए, थोड़ा सा नीचे ले लेती हूँ मैं ताकि क्लियरली बने फिगर हमारी। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 से लेके 6.5, यानी 6 और 7 के सेंटर में आएगी 6.5। तो हम इसका नेम दे देते हैं, ये ए एंड ये बी। और कितनी लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है, 6.5 सेंटीमीटर। अब देखिए आपने करना क्या है, इसमें क्या है कि जो दूसरी हमारी जो साइड होगी उनके बीच में एंगल कितना है, 110 का। तो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हम क्या करेंगे, एंगल ड्रॉ करेंगे 110 का। ए पॉइंट पे मार्क करेंगे हम इस तरीके से, डी को 110 का है, इस तरीके से मूव करते हुए जाएंगे। 110 का है देखिए दिस वन, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेंगे, ये हमारा आ जाएगा 110। ध्यान रखना है आपने, जब भी आप फिगर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से एंगल बनाएंगे तो इस तरीके से आपने मूव करना है। अगर इस पॉइंट पे बनाएंगे तो आपको इस तरीके से उल्टा एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लॉकवाइज मूव करना है और इस साइड करेंगे तो या एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। अब क्या करेंगे, देखिए ए को और इस पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये हमारा ज्वाइन हो गया पॉइंट, तो इसको हमने नेम दे दिया, इस जो कोई भी हमारी ये है, ये रे हमारी क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। अब देखिए, हमारे पास सेकंड जो साइड थी उसकी भी इक्वल कितनी है लेंथ, 6.5 के ही इक्वल है। तो हम यहाँ पे मेज़र करेंगे, सो हमारी कंपास को ओपन कर लेंगे 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड देन ए पे अपनी कंपास की नोड को रखेंगे एंड देन यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को और बी को आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। ये आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे एंड इसका नेम हो जाएगा यहाँ पे हम रख देंगे सी। तो हमारी देखिए फिगर बन गई, जो ट्रायंगल बोलेंगे हम, जो ट्रायंगल का नेम क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एंगल है 110 डिग्री और ये हो जाएगी सी ए बी। ट्रायंगल क्या बन गई हमारी, सी ए बी। ठीक है, तो इस तरीके से हम बनाएंगे जिसकी टू साइड्स क्या हैं, इक्वल, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, तो आप राइट डाउन करते हैं इनके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जैसे जैसे हमने कंस्ट्रक्शन की है जस्ट हम वहाँ पे राइट डाउन करते हुए चलेंगे। पहले हमने क्या किया था, एक लाइन लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी जिसकी लेंथ कितनी थी, 6.5 सेंटीमीटर। तो राइट डाउन करेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, नेम क्या दिया हमने, ए बी इज इक्वल टू कितनी है, 6.5 सेंटीमीटर। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, अब ए पॉइंट पे हमने क्या किया था, एंगल ड्रॉ किया था 110 डिग्री का, यानी एक रे बनाई थी जिसका नेम हो जाएगा ये ए एक्स। तो क्या लिखेंगे, एट पॉइंट ए ड्रॉ अ रे ए एक्स टू मेकिंग, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है ये, 110 डिग्री का, मेकिंग एन एंगल ऑफ 110 डिग्री। देयरफोर जो हमारी फिगर बनेगी वो क्या बन जाएगी, यानी कि जो ट्रायंगल बनेगी एक्स ए बी लाइक दिस वन। क्लियर, ये एंगल हमारा हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा कितना आ गया, 110 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया था, ए पॉइंट पे हमने अपनी कंपास की नोक रखी थी एंड देन यहाँ पे हमने आर्क लगाई थी 6.5 सेंटीमीटर की। सो अलोंग ए एक्स सेट ऑफ ए सी इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। क्लियर, एंड देन हमने ज्वाइन किया था सी एन बी को, लास्ट में लिखेंगे फोर्थ, ज्वाइन कर देंगे सी एन बी। अब अगर हम ध्यान से देखते हैं फिगर को तो ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड फिगर है। देन राइट डाउन करेंगे, देन ट्रायंगल ये हमारी हो जाएगी, बी ए सी लिख सकते हैं या फिर सी ए बी, जो भी, बी ए सी लिख लिया हमने यहाँ पे, इज द रिक्वायर्ड, कौन सी ट्रायंगल है ये हमारी आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसकी टू साइड्स क्या होती हैं, इक्वल।
क्लियर। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर टू फ्रॉम योर एक्सरसाइज नंबर 10.3 सॉरी। एंड डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।